तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की प्राइवेसी सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में चेक करते रहना चाहिए और उसको मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए। क्या ये सेटिंग है, कहाँ मिलेगी, कैसे उसको यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेसी सेटिंग जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में करनी चाहिए। तो उसके लिए जाना है यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा एप्स वाला ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमिशन मैनेजर का, आप देख रहे होंगे। तो आपको इसके अंदर जाना है। आप चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो बैक आएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। तो इसके बाद आपको एक जगह और ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर भी आपको मिल जाएगा प्राइवेसी मैनेजर का ऑप्शन। आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको प्राइवेसी मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहां पर प्राइवेसी मैनेजर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपको इसके अंदर चले जाना है। तो अब ये क्या काम करेगा दोस्तों, मेन चीज ये है, यहां पर ये आपको बताएगा कि कौन सी चीज की जो परमिशन है, कितनी एप्स आपकी ले रही हैं और उन एप्स को रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फालतू की आपकी एक्सेस कर रही है और आपको स्पाई कर रही है या फिर आपका डेटा वहां पर कलेक्ट कर रही है। तो ये आपको देखना है। तो लाइक हमें देखना है कैमरा, तो आप देख रहे हैं यहां पर कैमरा 49 एप्स कैमरा एक्सेस कर रही है। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी एप्स के नाम मिल जाएंगे। तो मैंने यहां पर सबसे पहले कर रखा है अलाउड ऑल टाइम, तो कर ही नहीं रखा। अगर आपके पास अलाउड ऑल टाइम में सब दिख रहे हैं तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है। जैसे कि यहां पर सबसे मिल रहा है 90 एयर एक्सेस, तो ये क्यों कर रहा है, तो मैंने इसको डोंट अलाउ कर दिया ताकि ये बैकग्राउंड में भी यूज ना हो। तो आपको उन एप्स को देख लेना है जिन ऐप को कैमरा का एक्सेस का काम ही नहीं है, क्यों कैमरा एक्सेस कर रही है। तो आपको उन ऐप को सबको कैमरा एक्सेस को ऑफ कर देना है ताकि आपका यहाँ पर जो प्राइवेसी है मेंटेन हो और बैकग्राउंड में कैमरा रन ना हो, आपका कोई भी डेटा वहाँ पर कलेक्ट ना हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड ना हो। तो ये सब चीज़ से आपको बचना चाहिए और सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस को, लाइक क्रोम क्यों कर रहा है, क्रोम की क्या ज़रूरत है, तो आप उसको अलाउड ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जिन ऐप को लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है, तो लाइक ये मैसेज क्यों कर रही है, तो आपको भी यहाँ से भी डोंट अलाउड कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ से डोंट अलाउड कर देना है। जितनी भी ऐप्स आपको लगती हैं जो फालतू की हैं और क्यों ले रही हैं, तो सबको आपको यहाँ पर चेक करना है। और कुछ ऐप ऐसे अलग लगती हैं तो आप उसको हटा ही दीजिए। ये हो गया, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, लाइक यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे जो मेन बताने वाला हूँ, और आपको मिलेगा लोकेशन का। कैमरा और लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लोकेशन कौन कौन सी आपकी ले रही है, ऑल टाइम एंड्रॉयड सिस्टम ले रहा है, बिक्सी वॉइस ले रहा है, गैलेक्सी ले रही है और गूगल को दे रखा है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं गूगल को दूँ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया डोंट अलाउ, ठीक है। तो अब ये मेरा डेटा यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगी। ऐसे ही ये किन किन को मैंने यहाँ पर अलाउ कर रखा है, इनको भी सबको मैंने यहाँ से डिनाई कर दिया। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है यार ये क्या सिक्योरिटी करेगी, बट ये बैकग्राउंड में रन होता है तो डेटा कलेक्ट करता है भाई। जहाँ डेटा कलेक्ट होता है ना, फिर वहाँ दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो आपको इन सबको यहाँ से अलाउड अनअलाउड कर देना है। लोकेशन हो गई, कैमरा हो गया, इसके बाद आपको मिलेगा नीचे माइक वाला ऑप्शन जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे की तरफ आएंगे, माइक वाला ऑप्शन, ये रहा माइक्रोफोन। तो अब आपको माइक्रोफोन को भी देखना है कि कौन कौन सी डेटा आपकी माइक्रोफोन आवाज़ रिकॉर्ड कर सकती है, तो आपको उसको भी यहाँ पर डोंट अलाउड पे कर देना है। मेरे ऑलरेडी यहाँ पर अलाउड नहीं है, पर फिर भी आपको सबको डोंट अलाउड में कर देना है। जिनको लगता है कि इनको अलाउड, इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उन सबको ऐप को आपको वहाँ पर हटा देना है ताकि वो बैकग्राउंड में डेटा को एक्सेस ही ना कर पाए, या फिर बोल सकते हैं आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड ही ना कर पाए। ये चीज़ें आपको हटा देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको फ़ोन का भी देखना है कि कोई फ़ोन एक्सेस ना कर पाए। तो फ़ोन में जाएंगे तो फ़ोन का एक्सेस किन किन ऐप्स के पास है वो भी वहाँ पर आप हटा दीजिए। लाइक अमेज़ोन को ज़रूरत नहीं है, ये क्यों कर, कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट कॉल, एमरजेंसी, फेसबुक की ज़रूरत नहीं है, तो फेसबुक क्यों कर रहा है भाई। ये आपको सबको आइडेंटिफाई करना है। मैसेज को ज़रूरत नहीं है तो मैसेज क्यों कर रही है भाई। कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन, मैसेज को यहाँ भी ज़रूरत नहीं है तो क्यों कर रही है। ये सब चीज़ों को आपको यहाँ से चेक करते रहना है कि भाई क्यों कर रहे हो, भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो बैकग्राउंड में एक्सेस, जिससे आपका डेटा का लॉस होता है, ठीक है। ये तो हो गया, आपने सबकी परमिशन देख ली। और भी यहाँ पर परमिशंस हैं, तो आपको जो जो सी ऐप्स की परमिशन देखना है सबको यहाँ पर आपको चेक कर लीजिए और सबको वहाँ से रिमूव कर दीजिए। मान लो मैंने कोई भी मैसेज में से
मान लो मैंने उसको मैसेज की रिक्वेस्ट हटा दिया, अब उसको कैमरे की एक्सेस देना है, तो अगर आप यहाँ कैमरे पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपसे पूछेगा भाई ओनली फॉर दिस टाइम या वाइल यूजिंग दिस ऐप, तो आप वाइल यूजिंग दिस ऐप भी कर सकते हैं और ओनली फॉर दिस टाइम भी कर सकते हैं कि जब भी बस मैं इस ऐप को यूज़ करूँ तो ही उस जब भी मैं इस ऐप को यूज़ करूँ तो ही उसके पास एक्सेस रहे, उसके अलावा उसका एक्सेस ना रहे। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डेटा उसी के थ्रू एक्सेस होता है, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए और सारी सेटिंग्स या बोल सकते हैं सारी परमिशन को आपको मैनेजर करना है या बोल सकते हैं सारी परमिशन को आपको चेक करना है और उसके बाद ही आपको परमिशन वहाँ पर देना है। तो यही है था आज की वीडियो में दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। एक चीज़ और है इसमें, SMS वाले OTP से भी बहुत कुछ हो जाता है, तो आपको SMS का भी देखना है कि कौन कौन सी ऐप या SMS को एक्सेस कर रही हैं ताकि कोई भी OTP आए डायरेक्ट वो एक्सेस कर ले, तो आपको उसको सबको यहाँ से डिनाय कर देना है ताकि आप यहाँ पर फ्रॉड से बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।